लोक प्रशासन के विकास की बात कर रहे हैं हम लोग कल हमने लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण की चर्चा की थी प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज जिसका समय था 1887 से 1926 और उसे नाम दिया था हमने राजनीति प्रशासन द्वैत भाव पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी उसमें हमने बुड्रो विल्सन के कंट्रीब्यूशन की बात की थी बुड्रो विल्सन जो अमेरिका में पॉल साइंस के प्रोफेसर थे उन्होंने जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था डिटेल हमने पढ़ा था बिल्सन को फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने कहा था कंपेरेटिव स्टडी की भी शुरुआत की थी उन्होंने ओड्रो विल्सन के अलावा फ्रैंक गुडनाव एफ डब्ल्यू टेलर मैक्स वेवर एल डी वाइट इन सबका का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था हमने संक्षेप में उनकी भी बात की थी फर्स्ट स्टेज या प्रथम चरण लगभग 40 साल का था अठारह से 1926 लोक प्रशासन एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में बेल एस्टेब्लिश हो चुका था बिलसन फादर थे और एल डी वाइट को हमने एकेडमिक फादर की संज्ञा दी थी क्योंकि उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट फेज से जुड़े जितने थिंकर थे सबने किसी ना किसी रूप में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी को सपोर्ट किया था आगे बढ़ाएंगे लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण सेकेंड फेज स्क्रीन पे आपके सामने है इसका टाइम है उन्नीस से सैतीस 1927 से 37, 1927 से 37 और इसे हमने नाम दिया है गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों का स्वर्ण काल क्यों कहा गया इसे गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल या सिद्धांतों का स्वर्ण काल क्योंकि इस चरण की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी कि इस चरण में प्रशासन के कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या सर्वव्यापी नियमों का प्रतिपादन किया गया था कई सारे नए थिंकर जुड़े थे लोक प्रशासन विषय में दो तीन थिंकर यहां दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। एक हैनरी फ्योल हेनरी फ्योल फ्रेंच इंजीनियर थे पीछे भी थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे थे जब पॉक की हम बात कर रहे थे थ्योरी की हैनरी फ्योल जो कि फ्रेंच इंजीनियर थे इसी सेकेंड फेज से जुड़े हुए विद्वान थे समय आपके सामने है 1841 से 1925 तो वैसे तो देखें आप टाइम के हिसाब से तो ये सेकेंड फेज हम शुरू कर रहे हैं ट्वेंटी सेवन से फ्योल की डेथ हो गई है ट्वेंटी फाइव में ही लेकिन फियोल ने उन्नीस सौ सोलह नाइनटीन सिक्सटीन में एक किताब लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फ्रेंच में लिखी थी उसका 1929 के आसपास इंग्लिश एडिशन पब्लिश हुआ था और जब इंग्लिश एडिशन आया था तब वो पॉपुलर हुआ था तो इसीलिए हम फिर फ्योल की चर्चा इस सेकेंड फेज में करते हैं फ्योल ने प्रशासन के चौदह नियम फोर्टीन प्रिंसिपल्स प्रतिपादित किए और साथ में पॉपकॉक की थ्योरी भी दी पॉपकॉक की थ्योरी पीछे हमने बात की प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग फ्योल का कहना था कि जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं या मैनेजर मैनेजर लेवल पर जो लोग होते हैं वो प्रमुख रूप से संगठन में इन पांच कार्यों को संपन्न करते हैं उसके साथ साथ फ्योल ने संगठन या प्रशासन के चौदह नियमों का फोर्टीन प्रिंसिपल्स का भी प्रतिपादन किया पथ सोपान आदेश की एकता पथ सोपान या हायर की आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड इस तरह के चौदह नियम प्रतिपादित किए हैंनरी फ्योल ने और उन्होंने दावा किया कि उनके जो नियम हैं वो सर्वव्यापी हैं या यूनिवर्सल हैं। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं किसी भी तरह के प्रशासन या संगठन को देखें फ्यूल का मानना था कि ये चौदह नियम अनिवार्य रूप से हर जगह हर तरह के संगठन और प्रशासन में लागू होते हैं पथ या हायरार इसका मतलब होता है उच्च और अधीन के संबंधों के आधार पर संगठन को हम विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत कर देते हैं टॉप मिडिल बॉटम इस तरीके से कई लेवल बना दिए जाते हैं और फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कई लेयर में क्लासिफाई कर दिया जाता है और इस सिस्टम को हायरार्की की संज्ञा दी जाती है किसी भी प्रशासन या संगठन में आप देखेंगे आपको मिलेगा जिले में पुलिस प्रशासन की संरचना देखें एसपी से लेके नीचे कांस्टेबल तक कई लेवल होते हैं वो उच्च और अधीन के संबंध बताते हैं हमें तो यूनिवर्सल लॉ है आदेश की एकता यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है कि किसी अधीनस्थ को केवल और केवल एक उच्च अधिकारी से ही आदेश मिलना चाहिए क्योंकि आदेश देने वाला एक होता है इसलिए इसे हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं और अगर हमें संगठन की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को सुनिश्चित करना है तो ऐसा होना जरूरी है। एक से ज़्यादा बॉस होंगे एक से ज़्यादा लोग किसी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देंगे और अगर, अगर उनके ऑर्डर में कुछ अंतर हो गया अलग अलग ऑर्डर हैं तो अब अधीनस्थ की स्थिति वहाँ विकट हो जाएगी किसका ऑर्डर मानें किसका नहीं मानें किसका पहले किसका बाद में तो कई सारी दुविधाएं हो जाएंगी तो बेहतर है कि एक ही बॉस हो वही आदेश दे ताकि अधीनस्थ के सामने इस तरह के डाउट दुविधाएं ना हो कि क्या करें और क्या नहीं करें तो हर संगठन में अगर संगठन बड़ा है हमें संगठन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित करना है तो फिर हमें यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना है और होता भी है तो फ्यूल का दावा था कि उनके नियम यूनिवर्सल हैं हर जगह लागू होते हैं तो चौदह नियम और पॉक हेनरी फ्यूल और एक थिंकर लूथर गोले लूथर गोल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे पोस्टकॉर्व थ्योरी हम पीछे बात कर रहे थे इनकी टाइम इनका 1892 से 1993 101 साल जिए इन्होंने 10 नियमों का प्रतिपादन किया और पोस्टकॉर्व की थ्योरी दी जिसकी पीछे हम बात करके आए हैं फ्योल ने जो प्रशासन किया संगठन के चौदह नियम दिए थे उन्हीं को रिवाइज करके लूथर गोलिक ने दस नियमों का प्रतिपादन किया थोड़ा बहुत चेंज किया फ्योल के चौदह नियमों में उनका भी सेम दावा था कि नियम सर्वव्यापी हैं, कहीं भी जाएं किसी भी तरह के प्रशासन में ये नियम अनिवार्य रूप से लागू होते पोस्कार प्रबंधक के सात कार्य बताया उन्होंने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग और हमने देखा कि कितना यूनिवर्सल प्रिंसिपल है पोस्ट कार दुनिया में कहीं चले जाएं ये सात कार्य हर तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन में हमें देखने को मिलते हैं यहां नेचर जरूर बदलता है एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर के अकॉर्डिंग लेकिन हर जगह ये सात कार्य संपन्न होते हैं और एक थिंकर लेंडा लोरबेक, लेंडा लोरबेक, ब्रिटेन के थे यूके यूनाइटेड किंगडम बिजनेस पर्सन थे समय आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 1891 से 1983 इन्होंने एट प्रिंसिपल्स आठ नियमों का प्रतिपादन किया इन्होंने भी कहा कि वो सर्वव्यापी नियम हर जगह लागू होंगे तो आप देखेंगे जो ये सेकेंड फेज था ये फेज ही चल रहा था कि प्रशासन के कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल या सर्वव्यापी नियम तो जैसा फर्स्ट फेज में हमने देखा कि जितने थिंकर आए सब में क्या समानता है कि सब बात कर रहे हैं डाइकोटोमी निर्माण अलग क्रियान्वयन अलग चाहे बिल्सन हो चाहे टेलर हो चाहे एल डी वाइट हो किसी ना किसी रूप में वो थीम रही है उसी तरह से आप देखेंगे अब सेकेंड फेज जितने थिंकर जुड़े हैं थीम एक ही है कि हमें कुछ प्रशासन के लिए ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाने हैं जो हर तरीके के प्रशासन में समान रूप से लागू हो तो फोल हों, गुलेख हों, और वेख हो और मुने रेले भी जुड़े बिलो भी जुड़े कई विद्वान सब में हम ये लगभग समानता देखते हैं कि मूल उनका जो कंट्रीब्यूशन था अगर उसका हम क्रक्स निकालें सार देखें तो सबने प्रशासन में सर्वव्यापकता सर्वव्यापी नियम इसकी बातें की अब देखिए जब प्रशासन के सर्व्यापी नियम आए तो फिर दो महत्वपूर्ण परिणाम यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं सर्व्यापी नियमों के आगमन का परिणाम हुआ एक तो कि प्रशासन को इस सेकेंड फेज में साइंस मान लिया गया उसे हमने विज्ञान की संज्ञा दे दी और दूसरा काम हुआ द्वितीय चरण में प्रशासन की एकता पर बल दिया गया प्रशासन को एक मान लिया गया या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो देखिए हा स्क्रीन पे लोक और निजी प्रशासन के बीच का अंतर खारिज कर दिया गया ये दो महत्वपूर्ण काम हुए इसलिए क्योंकि इस चरण में प्रशासन के सर्वव्यापी नियमों का प्रतिपादन हुआ हम देखेंगे आगे किसी भी विषय के विज्ञान होने की तीन जरूरी शर्तें होती हैं एक शर्त यही है कि उस विषय में कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल या सर्वव्यापी नियम होने चाहिए किसी भी फिजिकल साइंस को भौतिक विज्ञान को आप देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी तो सब में आपको कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल मिलेंगे जो हर जगह समान रूप से लागू होते हैं न्यूटन्स लॉ हो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो जो भी देखिए आप तो विज्ञान होने की जरूरी है कि कंडीशन है शर्त है दूसरा देखिए कि इन विषयों में वैल्यूज नहीं होते हैं मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता है फिजिकल साइंस है वस्तुओं का जड़ पदार्थों का अध्ययन करते उनकी अपनी कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं होती हैं भावनाएं है। पसंद नापसंद नहीं होती मूल्य नहीं होते अब देखिए आप फर्स्ट पेज से जो हम भी काम कर रहे हैं तो मूल्यों का परित्याग तो हमने 1887 में ही कर दिया है जब वोड्रो बिल्सन ने डाइकोटॉमी की बात की है तो बिल्सन तो कह ही रहे हैं कि प्रशासन तथ्यों के आधार पर काम करेगा इम की बात हो रही है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात हो रही है मतलब प्रशासन के मूल्य नहीं होंगे तो ये काम तो हमने फ्रॉम फर्स्ट डे पहले दिन से ही शुरू कर दिया है कि प्रशासन मूल्यों से दूर रहेगा और अब यहां सेकेंड फेज में हम देख रहे हैं कि और एक काम हमने कर दिया कि प्रशासन के सर्वव्यापी नियम आ गए कहने का मतलब कि किसी भी विषय के विज्ञान होने की जरूरी शर्तें हैं एक एक करके हम उन शर्तों को पूरा कर रहे थे और इसी बात का परिणाम हुआ कि सेकेंड फेज में प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा दे दी गई एक काम और जो हुआ कि लोक और निजी के बीच का अंतर खारिज कर दिया गया कहा गया कि नहीं प्रशासन एक है हम उसे लोक और निजी में क्यों बांट रहे हैं कारण था यही सर्वव्यापी नियम पोस्ट लोक प्रशासन में भी है निजी प्रशासन में भी पॉक कॉक भी हायर आर की यूनिटी ऑफ कमांड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी है तो फिर फ्योल गुलिक का कहना है कि जब एक जैसे नियम दोनों तरह के प्रशासनों में लागू हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों प्रशासनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है दोनों एक ही है तो इन विद्वानों का कहना था कि प्रशासन एक है उसे एक रहने दीजिए उसे लोक और निजी में डिवाइड मत कीजिए प्रशासन के की आगे लोक नहीं लगाइए बस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नहीं लगाइए प्राइवेट नहीं लगाइए बस एडमिनिस्ट्रेशन उसी की बात कीजिए देखिए इसीलिए हमने यहां शुरुआत में लिखा है बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमने यहां लिखा है प्रशासन के सर्व्यापी नियम कहीं भी हमने ये नहीं लिखा है कि लोक प्रशासन के सर्व्यापी नियम हमने लोक शब्द का यूज नहीं किया है यह द्वितीय चरण की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है इस चरण से जुड़े विद्वानों का कहना है कि आप प्रशासन को प्रशासन रहने दें उसे लोक और निजी में नहीं बांटें कारण सर्वव्यापी नियम एक ही जैसे नियम दोनों तरह के प्रशासनों में लागू हो रहे हैं तो ये उनका कारण इसीलिए देखिए हमने क्या कहा प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा कहीं हमने ये नहीं कहा देखिए कि लोक प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा जबकि हम लोक प्रशासन का विकास पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन यहां हम लोक प्रशासन बर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं यहां हम कह रहे हैं प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा मिली तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है लोक निजी के बीच का अंतर खारिज हो गया तो इसलिए फिर हमें लोक प्रशासन तो बोलना ही नहीं हमें प्रशासन बोलना है टेक्निकल बात है अगर आप द्वितीय चरण में लोक प्रशासन शब्द लिख देंगे और मुझ जैसा टीचर होगा तो जीरो काट के जीरो देगा आपको आंसर में आपकी कॉपी फाड़ के फेंक देगी इसका मतलब आपने पवेट को ढंग से नहीं पढ़ा समझा नहीं है आपने ये टेक्निकल है कि सेकेंड फेज में हम प्रशासन के आगे लोक शब्द नहीं लगाते हैं निजी को एक माना गया था कहा गया था कि प्रशासन एक है, उसे एक रहने दिया जाए लोकोनिजी निजी में नहीं बांटा जाए तो यह द्वितीय चरण था यहां एक दो बातें जो और आप ध्यान रखें द्वितीय चरण में आदर्श संगठन सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी आई कल फर्स्ट फेज में दो थ्योरीज की हमने बात की थी 1910-11 में टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और दूसरा 1920 में मैक्स वेवर का ब्यूरोक्रेसी मॉडल तीसरी थ्योरी थी क्लासिकल थ्योरी या आदर्श संगठन सिद्धांत जिसका प्रतिपादन हुआ था इस द्वितीय चरण में हेनरी फ्योल लूथर गुलिक जैसे विद्वान ही क्लासिकल थ्योरी शास्त्रीय विचारधारा या आदर्श संगठन सिद्धांत के प्रतिपादक और समर्थक विद्वान थे प्लस आप देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी जो फर्स्ट फेज से शुरू हो गई थी वो भी यहां जारी थी बिल्सन ने ही कंपेरेटिव स्टडी की शुरुआत कर दी थी जब कहा था कि हमें एक देश के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को अगर दूसरे देश में इंप्लीमेंट करना है तो कंपेरेटिव स्टडी करनी होगी टेलर बेवर की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपेरेटिव स्टडी को प्रमोट किया था यहां सेकेंड फेज में भी आप देखेंगे कंपेरेटिव स्टडी को बल मिला कैसे तो जो एक शब्द है ये सर्वव्यापी या यूनिवर्सल दुनिया में हम किसी भी चीज को अगर यूनिवर्सल कह रहे हैं इसका मतलब यह कि हमने कंपैरेटिव स्टडी करी है बिना तुलना के कि हम किसी भी चीज के सर्वव्यापी होने का दावा नहीं कर सकते पोस्क और अमेरिका में भी लागू हो रहा है फ्रांस में भी ये बात हमें कैसे पता लगेगी जब हम अमेरिका और फ्रांस दोनों का कंपेरिजन करेंगे पोस्क और शिक्षा में भी है स्वास्थ्य में भी जब हमें कंपेयर करेंगे तो जान पाएंगे इस बात को तो अगर कहा जा रहा है कि फ्यूल गोलिक के जो नियम हैं वो सर्वव्यापी नियम हैं तो इसका मतलब ही है कि उन्होंने कंपेरेटिव स्टडीज की हैं उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो ये था लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण आगे बढ़े लोक प्रशासन के विकास का तीसरा चरण देखें थर्ड फेज टाइम है 1938 से 47 और इसे नाम देते हैं हम सिद्धांतों को चुनौती चैलेंजेस फॉर प्रिंसिपल्स या डाउट फॉर प्रिंसिपल्स जो ये द्वितीय चरण में प्रिंसिपल आए हैं जिन्हें सर्वव्यापी होने का दावा किया गया है उनको यहां चुनौती मिली क्वेश्चन मार्क लगाए गए उनकी उपयोगिता उनके सिग्निफिकेंस के ऊपर तो अब ट्रेंड चेंज हो गया यहां आपको ध्यान रखना है कि लोक प्रशासन के विकास के जो छह चरणों की हम बात कर रहे हैं सिक्स फेजिस की बात कर रहे हैं तो ये इसी आधार पे हमने चरण डिसाइड किए हैं कि कब किस दौर में कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा हावी रही तो ऐसा नहीं है कि इक्वल डिवीजन है कि 1887 से 1920 लगभग 130 साल हो गए हैं तो हम 20 20 या 25 25 साल डिवाइड कर रहे हैं एक एक चरण को ऐसा नहीं है पहला चरण 40 साल का दूसरा 10 साल का तीसरा भी देखे वही 10 साल तो किस टाइम फ्रेम में कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा हावी रही उसके बेस पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया है तो वो जो दूसरा चरण है जितने विद्वान थे सब सर्वव्यापी नियमों की बात कर रहे थे पहले चरण में सब डाइकोटॉमी की बात कर रहे थे अब जो ये तीसरा चरण आया सारे विद्वान यहां वो जो द्वितीय चरण के नियम सिद्धांत आए थे उनको चुनौती दे रहे थे फेज बदल गया ट्रेंड बदल गया क्योंकि तो थर्टी से 47 सिद्धांतों को चुनौती कुछ और विद्वान जुड़े कुछ और थिंकर ऐड हुए एक उसमें आप देखें एल्टन मेो स्क्रीन पे हैं आपके सामने ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे एल्टन मेो मूल रूप से ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे हालांकि यूएस शिफ्ट हो गए थे और यूएस में फिर सोशियोलॉजिस्ट थे प्रोफेसर थे समाजशास्त्री वहीं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या मानव संबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मेयो ने 1939 में मेयो ने थ्योरी दी थी और जो सबसे बड़ी बात की मेयो ने अपनी इस थ्योरी में कहा था कि जब तक प्रशासन मूल्यों पर बल नहीं देगा तब तक हम उसे कार्यकुशल नहीं बना पाएंगे देखिए आप अभी तक क्या कहा जा रहा था कि जब तक प्रशासन मूल्यों से अपने आप को दूर नहीं करेगा तब तक कार्यकुशल नहीं होगा याद कीजिए वुडरो विल्सन राजनीति प्रशासन द्वैत भाव राजनीति का काम निर्माण प्राथमिकता मूल्यों को प्रशासन का काम क्रियान्वयन प्राथमिकता तथ्यों को एल डी वाइट भी कह रहे हैं कि अगर हमें प्रशासन को कार्यकुशल और मितव्ययी बनाना है तो उसे राजनीति के मूल्यों से दूर करना होगा सेकेंड फेज में भी आप देखिए फ्योल गुलिक अगर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं नियमों की बात कर रहे हैं नियम का मतलब ही है फैक्ट नियम सबके लिए एक जैसा होता है पसंद नापसंद फीलिंग्स अलग है तो अब तक हम नियमों की बात कर रहे हैं मतलब मूल्यों से दूर रहने की बात कर रहे हैं तथ्यों पर जोर दे रहे एल्टन मेयो ने एकदम विपरीत विचारों का प्रतिपादन किया मेयो ने कहा कि जब तक प्रशासन मूल्यों पर बल नहीं देगा तब तक कार्य कुशल नहीं होगा मतलब कहा जाए कि जो 50 साल का हमारा एफर्ट है जो डेवलपमेंट है वो जीरो जो बातें पचास साल से हम कहते आ रहे हैं अब मेो तो एकदम उसके विपरीत बात कह रहे हैं सारा किया आधारा खत्म हमारा पचास साल की मेहनत बेकार पानी फिर दिया इन्होंने मतलब उन्होंने चुनौती दी प्रशासन या संगठन के नियमों को चुनौती दी मियो ने और एक थिंकर देखे चेस्टर बर्नार्ड अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव 38 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई नाम था फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के कार्य इस किताब में बर्नार्ड ने वो जो सर्वव्यापी नियम है उनका कोई चर्चा तक नहीं की अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात थी अभी देखे हम बात कर रहे हैं 1927 से 1937 1937 तक जबकि सर्वव्यापी नियमों पे इतना बल दिया जा रहा है और 38 में ही चेस्टर बर्नाड की जब बुक पब्लिश हो रही है तो नियमों का कोई जिक्र तक नहीं है लूथर गुलिक के पोस्कर्व की हम बात कर रहे हैं दस नियमों की बात कर रहे हैं लूथर गुलिक ने और दस नियम 1937 में दिए थे 1937 में उनका एक पेपर पब्लिश हुआ था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के विज्ञान पर लेख इस नाम से उनका पेपर पब्लिश हुआ था उसमें उन्होंने पोस्कर्व की थ्योरी दी थी तो 37 में इतनी बड़ी थ्योरी आई पोस्कर्व प्रशासन के दस नियम आए जिनके सर्वव्यापी होने का दावा किया गया और तुरंत अगले साल हम देख रहे हैं 38 में चेस्टर मर्नाट की किताब आई है और इसमें नियमों की बात तक नहीं कर रहे हैं मतलब सारे विद्वान ऐसे नहीं हैं जो प्रशासन की कार्यकुशलता के लिए नियमों को जरूरी मानते हों तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती हो गई प्रशासन के नियमों को चुनौती हमने मेयो की चर्चा इसलिए पहले की आपसे क्योंकि मेयो ने 27 से 32 के बीच में हॉर्थॉन एक्सपेरिमेंट किए थे हाँ उन एक्सपेरिमेंट के निष्कर्ष 39 में मिले थे लेकिन एक्सपेरिमेंट पहले हो गए थे बर्नार्ड की थर्टी एट में तो वैसे जो ये थर्ड फेज है 1938 थर्टी एट वो बर्नार्ड की इसी किताब से ही शुरू होता है जैसे ही बर्नार्ड की किताब प्रकाशित हुई वहीं से हमने ये थर्ड फेज अलग कर दिया बर्नार्ड ने बिहेवियरल अप्रोच या व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया मेयो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मानव संबंध और चेस्टर बर्नार्ड ने बिहेवियरल अप्रोच या व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और एक बड़ा काम हुआ इस चरण में और एक थिंकर जुड़े हर्बर्ट साइमन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे समय देख रहे हैं आप 1916 से 2001। थाउजेंड हर्बर्ट साइमन भी चेस्टर बर्नार्ड के जो बिहेवियरल अप्रोच या व्यवहारवादी सिद्धांत है उसके समर्थक विद्वान हुए हर्वर्ट साइमन चेस्टर बर्नार्ड के विचारों से आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे कई जगह इन्होंने बर्नार्ड को कॉपी किया है चेस्टर बर्नार्ड ने जो व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था हर्वर्ट साइमन उसके बहुत बड़े सपोर्टर हुए इन्होंने भी उसी तरह के विचार दिए जैसे बर्नार्ड के व्यवहारवाद में थे चूंकि बर्नार्ड से प्रभावित थे बातें भी बर्नार्ड जैसी ही कर रहे थे हाँ कुछ बड़े महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन है साइमन के एक ऐसे विद्वान हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है डिसीजन मेकिंग की बहुत स्टडी करके इन्होंने बहुत साइंटिफिक स्टडी करके इन्होंने एक थ्योरी दी है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन थ्योरी प्रशासनिक प्राणी प्रतिमान उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है फिलहाल हमें जिस बात से मतलब है साइमन की 1946 में एक इनका पेपर पब्लिश हुआ नाम था उसका द प्रोव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की कहावत है 45 में साइमन की एक बुक पब्लिश हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर या प्रशासनिक व्यवहार के नाम से और '46' में फिर उनका एक पेपर पब्लिश हुआ प्रशासन की कहावतें या द प्रोव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से साइमन ने इस लेख में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही साइमन ने लिखा उसमें देखें यहां स्क्रीन पर कि संगठन के नियम कहावतें मात्र हैं क्योंकि ये युग्म में चलते हैं युग्म या पेयर्स प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की कहावतें साइमन का कहना था कि जो संगठन के नियम हैं लूथर गुलेक हेनरी ने जेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को प्रतिपादन किया है साइमन ने उनको प्रोवर्ब्स या कहावतें कह के उनका मजाक उड़ाया साइमन ने कहा संगठन के नियम कहावतें मात्र हैं क्योंकि ये युग में या प्यर्स में चलते हैं इन्होंने भी संगठन के नियमों को चुनौती दी ये जितने विद्वान हैं सब में ये समानता थी कि ये नियमों के महत्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे इनका ऐसा मानना बिल्कुल नहीं था कि जब तक नियम नहीं होंगे हम संगठन को कार्यकुशल नहीं बना पाएंगे ये ह्यूमन रिलेशन ये बिहेवियरलिस्ट थिंकर थे सब तो ये व्यक्तियों की जो फीलिंग्स हैं इमोशंस हैं रिलेशंस हैं उनको फोकस कर रहे थे उनको समझने की बात कर रहे थे इसमें दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ज्यादा रियलिस्टिक विद्वान थे इसीलिए व्यवहारवाद कहा जाता है कि ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच थी इनकी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की थी इन सब ने तो साइमन ने संगठन के नियमों को कहावतों की संज्ञा दी कहा कि ये युग्म या पेयर्स में चलती हैं क्या मतलब है इस बात का थोड़ा सा यहाँ हमें इस चीज़ को समझना है कि साइमन ने संगठन के नियमों को कहावतें क्यों कहा